इंशाल्लाह महफिल आपके लिए वहां भी है, पांच मिनट बाद इंशाल्लाह सलाम पढ़े तो हम वापस करेंगे। सिर्फ दो मिनट के लिए मुतवज्जा हूं। तारीख में पहली बार कराची के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि 11वीं की रात शहंशाह विलायत की औलाद पाक खुद 11वीं की आज की इस तकरीब में जलवा अफरोज है। और ये तवज्जह से सुने, तीन घंटे गुजर गए, मैं तीन मिनट में तीन बातें बताऊंगा जो काफी गौर है। नंबर वन, आज की रात जो है वो हकीकी क्या की आज की रात है जो बगदाद शरीफ में हो रही है। आज नवी दसवीं रात नहीं है, जैसे हज की 9 तारीख होती है जहां हज होता है वही हज होता है, लेकिन हमारे पास 8 तारीख होती है। आज की रात हमें यहाँ 10 है, लेकिन बगदाद शरीफ में शहंशाह बगदाद के पास 8 की रात 11 है। और बात सुने, ये रात जो मुंतकब की तो हमारे पीर मुर्शिद ने आज से 20 दिन पहले सिर्फ 6 अप्रैल का कोई 10 तारीख 11 तारीख नहीं की कि 11 कब है, 10 की कब है, चांद कब शुरू होगा, कब गुरू होगा। शायद सिर्फ बताया 6 अप्रैल को साथ को मुझे दूसरा का बयान में बाहर जाऊंगा। उसी दिन चांद को हुक्म हुआ का तुम नहीं रुको, कल निकलना। एक बातें गौर करने की है, और ये जो जलसा हुआ है ये कराची की नहीं लेकिन पाकिस्तान की मेरे ख्याल में आज की रात ऐसी रहमत और बरकत वाली रात है जिसका माजी में कोई मिसाल नहीं है। ये याद रखो कि ये नम है, मामूली की नम है, नहीं है। बहरहाल ये जो मजमा इकट्ठा हुआ हुजूर के चंद गुलामों ने जो खास खादिम हैं उनकी मोहब्बत के बलबले ने साईं से गुजारिश की, साईं हमें इजाजत दे हम आपके जो फैजान रहमत का दरिया बह रहा है वो कराची के गरीबों मिस्कीनों के दिलों में जो धड़कने हैं गांव से आजम के इश्क को मोहब्बत की उनके रगों में भी यही दरिया के रहमतों के सैलाब का साईं ने कबूल फरमा दिया। और वो चंद साईं के मुरीद जो है उन्होंने ये तको तोड़ की जिसके निस्बत मोहब्बत मेहनत और कोशिश के सदके में ये जो हवा चल रही है बगदाद से आ रही है, ये जो रोशनियां है उनके सदके में तुम देख रहे हो, ये जो तुम ज्यारत कर रहे हो उन साईं के एक शफीक तरीन मोहब्बत का एक मेराज के हिसाब से आप अगर मेरा ईमान है जिस वक्त आप घर से निकले हैं उस वक्त के एक एक कदम यहां बैठने का एक एक सांस जो रहे हो बगदाद शरीफ और मदीने मुनव्वरा से मेरे ईमान के मुताबिक रहमत के फरिश्ते अरब से शहजादा दान की तरफ चल रहे हैं, चलते रहे जब तक घर। मेरा मकसद ये है आप लोगों को मैं बता दूं कि साईं का ये कर्म है पाकिस्तान पर और खुसूसी तौर पे कराची पर। साईं डिफेंस सोसाइटी में फेज 5 में खयाबान शमशीर में गली नंबर 30 में घर नंबर 10 और 1 11 में
तो ये कहना हुआ मेरे मंतव्य के मुताबिक वहां तशरीफ फरमा होते हैं शनिचर की शाम हफ्ता जब तो बोलते हो हर हफ्ते की शाम को साईं अपनी ज्यारत भी करवाते हैं अपनी मेहरबानी भी फरमाते हैं झोलियां भी भर देते हैं जिनको मोहब्बत हो हफ्ते की शाम को आए नहीं आ सकता है नफ्स इजाजत नहीं देता तो दस की शाम और ग्यारह की रात को आ जाए आपकी मर्जी है। और आज मैं सरेआम साईं से पूछे बगैर अपने इश्क मस्ती के बलाव और जलाल में आपसे गुजारिश करता हूं अगर ये लम्हों से इन रहमत के भरी लम्हों में से फायदा उठाना चाहते हो तो अभी इसी कक्षाई के